हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी फिनालिस्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हम जा रहे हैं कसोल। ये बना है हमारा बहुत ही अचानक से प्लान, तो अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कसोल जाने के लिए। तो बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही अचानक से प्लान बना हुआ है। मैं और ओम जा रहे हैं। ओम एक्चुअल में जयपुर से यहाँ आया हुआ है कसोल जाने के लिए। तो हम बेसिकली कसोल में जाएंगे, बाकी वहाँ पे क्या क्या करेंगे वो सारी चीज़ें अभी आपको वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और लास्ट तक आप बने रहे इस वीडियो में, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। ये बेसिकली टनल था, जब आप पहाड़ में ऊपर काफ़ी जाएंगे मंडी से ऊपर तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके आगे आपको डाइवर्जन भी मिलता है, जहाँ से आप एक तरीके से मनाली भी जा सकते हैं, और कसोल के लिए भी एक रास्ता होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत सा टनल बनाया गया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। आई थिंक 2018 में भी हम लोग आए थे, तो तब भी ये टनल उस टाइम तो बन रहा था, अभी तो ये पूरा ऑलमोस्ट मतलब बन ही गया है ये पूरा। और भी बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग जगह पर टनल बन रहे हैं, जो कि बेसिकली डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए हैं। और आप बेसिकली एक तरीके से नेचर देख सकते हैं, आपको कैसा लगेगा ये। बेसिकली कसोल से थोड़ा सा ऊपर जब मणिकरण की साइड जाते हैं ना, तो ये तब का व्यू है। एक्चुअल में हमें खीर गंगा जाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि मतलब आपको अगर खीर गंगा जाना होगा तो आपको कसोल से अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर ऊपर, मणिकरण से भी ऊपर जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक गांव आता है, गांव का नाम तो मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, तो उस गांव से बेसिकली आपको अपनी कार को पार्क करना पड़ेगा। इसके बाद आप वहाँ से कसोल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग बेसिकली अभी बेसिकली कसोल मतलब मणिकरण से भी और ऊपर आप जाएंगे ना, तो उधर वन वे हो जाता है, उधर गाड़ी थोड़ा आराम आराम से चलाना होता है आपको, अदरवाइज़ इधर एक्सीडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप बहुत स्पीड में, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा गोल गोल सा कह सकते हैं। और इवन कई सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ भी था शायद वहाँ पे। तो रिकमेंडेड यही है कि आराम आराम से गाड़ी चलानी है, कोई जल्दी नहीं करना है यहाँ पे, ओवरटेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है प्रॉपर स्पेस है तो आप ओवरटेकिंग करना, अदरवाइज़ नहीं करना। बेसिकली इसके बाद आपको ये ब्रिज मिलेगा, ये बेसिकली कसोल से ऊपर मार्केट है, मतलब मणिकरण से भी थोड़ा सा आगे, तो उधर की वो मार्केट की वीडियो था। ये ब्रिज जैसी आप कसोल मणिकरण से ऊपर को ये ब्रिज है, इस ब्रिज से भी हमें ऊपर जाना होता है गाड़ी से, अप्रॉक्सीमेटली 20-22 किलोमीटर अभी और ऊपर है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसके बाद वहाँ पे गाड़ी को पार्क करेंगे, फिर हम खीर गंगा की चढ़ाई के लिए बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको, ये मतलब अल्टीमेट व्यूज़ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ठंड के टाइम में जाएंगे, हल्का सा विंटर जब स्टार्ट होता है, तो बर्फ़ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये फ़िलहाल ओम गाड़ी चला रहा है, और उस साइड से व्यूज़ ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने कैमरा उस साइड कर दिया। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा था, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही थी। तो इस तरीके से आपको सेफली ड्राइव करना पड़ेगा, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। आराम आराम से ड्राइव करो, आप कर ले जाओगे, कोई ड्राइवर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बट बेसिकली उन्हीं लोगों का एक्सीडेंट या कुछ भी होता है प्रॉब्लम में, वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं। आप आराम आराम से चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पूरे ट्रिप में आपको। बस ये है कि अपनी लेन में चलो, अपनी साइड चलो, ओवरटेकिंग बेवजह मत करो। और ऑलमोस्ट हम गांव में पहुंचने वाले थे, तो मैं उससे पहले सोचा कि मतलब कुछ कुछ वीडियोस में आपको ना मैं जानबूझ के आगे पीछे कर दूंगा, ताकि आपको एक एक्साइटमेंट और बाकी सारी चीज़ें बनी रहें कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है और कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और क्या क्या होगा उसके लिए। मैं इसमें बेसिकली ये सारे व्यू हैं, बेसिकली आप देख सकते हैं ये बेसिकली पार्वती वैली है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब ट्रिप को मैंने फिनिश करके वीडियो बनाई थी, तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ पार्वती वैली है। और ये मैं बेसिकली ट्रिप से वापस आ गया हूँ, वो तब की वीडियो मैं मतलब बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। काफ़ी एक्साइटिंग मतलब जर्नी रही है, मतलब बहुत अच्छा लगा है।
एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा सभी को कि एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और अल्टीमेट व्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें, अगर आप नेचर लवर हैं या इस टाइप से हैं। ये बेसिकली मैं ट्रैकिंग कर रहा था तब की वीडियो है, तो अभी आपको बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरी वीडियो दिखाऊंगा कैसा लगेगा आपको। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और अगले चैप्टर में आने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके जाओ ताकि अगला चैप्टर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ सके। अ बिग हाय टू अवनीश मिश्रा, दिस इज सना सईद हियर एंड आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग इन दीज टफ टाइम्स। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई रियली होप दैट यू विल कंटिन्यू टू डू द गुड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। All the very best for your future. We send you all our love.